अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और व्लॉग बनाने का टाइम इस वक्त 12 से भी ऊपर टाइम हो रहा है रात के, तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं रात हो रही है, लाइट चली गई है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बातें कर ली हैं थोड़ी सी। हुआ आज कुछ यूँ है कि आज मानो का स्कूल में फर्स्ट डे था, और स्कूल में लाइट ना होने की वजह से, फ़ैन ना होने की वजह से मानो की तबीयत ख़राब हुई, जिसकी वजह से मानो स्कूल से आई तो उसका इतना शदीद बीपी लो था कि आने के बाद से मानो को कोई होश नहीं था। मैंने अभी उठा के, जस्ट अभी हम खाना खा ही रहे थे और लाइट चली गई, मच्छर काट रहे, किंग टॉक्स ले आओ, तो इतने में किंग टॉक्स की प्रमोशन हो गई भाई। इतने में खैर हुआ ये कि मानो सारा दिन सोती रही, नहीं उठी। मैंने बहुत दफ़ा उठाया, मानो नहीं उठी, मानो ने लंच भी नहीं किया, मानो ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मानो ऐसी स्कूल चली गई थी। और आने के बाद जिस तरह से मानो सोई है, मानो को कोई होश नहीं था, और अब मैंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती गुस्सा करके उठाया है। तो हमने खाना खाया है अभी, और मैंने इसको टैबलेट दी है, इसको पेन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। आज बीपी लो होने की वजह से, और स्कूल का फर्स्ट डे जाहिर है, आफ्टर 2 मंथ समर वेकेशन के बाद आज फर्स्ट डे स्कूल में था, तो स्कूल गई। होता है, रूटीन टफ होती है, नहीं क्लासेस स्टार्ट हुई जाहिर है टफ रूटीन है। तो बस मैं बड़ा बोर होती रही, लेकिन मैं भी आज के इलेक्ट्रिक के ऑफिस गई हुई थी। बिल बहुत ज़्यादा है, सबके बहुत ज़्यादा आए, किसके बहुत ज़्यादा आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा के भेजे हुए हैं। तो खैर आज वहाँ भी गए थे बात करने के लिए, और बिज़ी डे रहा बहुत। फिर खाना तो खैर मैंने कल बटर चिकन बनाया था, वो रखा हुआ था, हमने वही खाया, और अभी हम लोग खाना खा रहे थे, बात ही कर रहे थे सारा दिन। आज हमारी बात नहीं हुई, हम लोग सब मिलके नहीं बैठे, हम दान मेहमान हम लोग मिलके बैठे नहीं, अभी हम बैठे थे बात ही कर रहे थे, लाइट चली गई। तो फिर बाहर आप जैसे कि देख सकते हैं चटाई बिछाई है, ये हम अस्सलाम वालेकुम, ये मैंने नीचे कारपेट पीस डाला है, अभी लाइट आएगी तो मैं उसको वॉश करूँगी, बहुत गंदा हो रहा है। और अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ मानो से, आज मानो बताएंगी कि इनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल और टाइम। तो आज मानो बहुत ज़्यादा सुस्ती हुई है, हालत में देख सकता हूँ, मतलब आज जो मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं स्कूल जाती हूँ और मैं आती हूँ जाती है, मैं स्कूल गई हूँ, आज भी स्कूल गई। खैर इतनी टफ रूटीन तो नहीं थी स्कूल में, लेकिन जो मेरी हालत हुई है ना, उसने मतलब उठा ही नहीं जा रहा मुझसे। अभी भी मेरी यही हालत है कि बस मैं लेट जाऊँ, रंग भी मेरा इतना, मतलब मैं कैमरे में देख के अपने आप को परेशान हो रही हूँ। एक दिन में मानो का रंग इतना ज़्यादा डार्क हो गया, इधर आ जाओ ना, यहाँ बैठ के बात कर लो, इतना ज़्यादा क्योंकि मेरा ये हाथ से ही पड़ रहा है ना। आज मानो का एक दिन में रंग बहुत डार्क हो गया, मैं मतलब अपने आप को देख के हैरान हो रही हूँ कि ये मैं हूँ, और मतलब एकदम पीली और काली सी हो गई है, अजीब सी मुझे देखते हुए शर्म। पता नहीं किस तरह का शूट हो रहा है, क्योंकि लाइट नहीं है, मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, मैंने सोचा क्यों ना अपने साथ शेयर किया जाए। और हाँ, आज का व्लॉग देखना मत भूलिएगा, आज के व्लॉग में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करनी। हाँ, अभी मैं आप लोगों को आगे तक देखिएगा, लाइट आने दें, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जो आज मुझे एक पार्सल मिला है गिफ्ट, वो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। बल्कि मैंने खोला ही नहीं, मैंने सोचा था कि उसको मैं आप लोगों के साथ ही अनबॉक्सिंग तो नहीं है क्योंकि बॉक्स नहीं है, हम उसको जो है उसकी पैकिंग आप लोगों के सामने ही हम खोलेंगे। तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया था एज इट इज़, हालाँकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं उसको खोलूँ और ट्राई करूँ पहन के। ओ, मैंने ये भी बता दिया, बट आप लोगों को वेट करना होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि वो जो गिफ्ट आया है वो मैं आप लोगों को, आप कर लो चलो। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊँगी, देखिए मुझे बोलने नहीं दे रहे। ये मेरे घर में सारा दिन यही सब चलता रहता है, पड्डे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मेरे साथ ही रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैं स्टार्ट में भी वीडियो की कह रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मुझे भी बताएगा बिल इस बार के इलेक्ट्रिक का किस किस का बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक कॉमेंट्स में मुझे बताइएगा। क्या हुआ, लाइट गई? भूत कहाँ है? यहाँ भूत है। क्या कह रहा है भूत? यहाँ भी भूत है। क्या कह रहा है भूत? मेरी अम्मी बच्चा है तो हैं, अम्मी बच्चे, अम्मी बच्चे भूत बो
हमदान को ले जाओ, अम्मी ले जाओ, अम्मी को ले जाओ, भूत भूत हमदान को ले जाओ, भूत हमदान ले जाओ। अच्छा भूत हमदानों को ले जाओ, भूत हमदानों ले जाओ। अच्छा हमदान को ले जाओ तो फटाफट रिप्लाई करते हो कि अम्मी को ले जाओ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम तो कर दें। अस्सलाम वालेकुम, इधर तो देखें कैमरे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? नहीं सुन रहे, बस ठीक है जाओ फिर मैं बात नहीं करती। कैसे हैं आप सब? अच्छा मैं नाराज होती हूँ ना तो फटाफट बोलते हैं अम्मी। बस ठीक है जाओ, मुझे बात नहीं करती। हाँ तो फिर कैसे हैं आप? कैसे आप? नहीं बात तो सुने, इधर यहाँ रुक के बात करें ना। इधर यहाँ देख के बोले, यहाँ देख के बोले। कैसे हैं आप? आप सब ठीक हैं? अच्छा बात सुना, आप स्कूल कब जाएंगे? स्कूल जाएंगे कब से? दादी को। कब जाएंगे? दादी को। बस ये नहीं बता रहे ना हम। दादी को हैं? ठीक है भाई, ठीक है मैं जा रही हूँ। दान को दादी को। भूत नहीं, कौन? भूत नहीं, हम दान को ले जाओ। बस सही है जाओ। नहीं दादी कुल। दादी कुल? क्या दादी कुल? दादी कुल क्या? हाँ बारिश। और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं लाइव आज बारिश हुई है, बहुत हल्की हल्की सी। ऐसा मौसम हो रहा है आज, अंधेरा, सब अंधेरा। और ये हमदान के काम चेक करे, ये क्या कर रहे हो हमदान? आप गिर जाओगे। हुई भूत आ गया। अरे मैंने कारपेट रखा हुआ है, ये जाएगी, मैं वॉश करूँगी। हमदान अस्सलामुअलैकुम। अच्छा आप स्कूल कब जाओगे? बस ठीक है, मैं गिरी नहीं, आपने गिराई है। गिरा के कह रहा है साइकिल गिरा, किसने गिराई है ये? हाँ कितनी जंग आलूद हो रही है हमदान की साइकिल। ये हमदान को बर्थडे पे मेरी एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। हमदान की बर्थडे कब है? हैप्पी बर्थडे। हमदान की हैप्पी बर्थडे कब है? मालूम बर्थडे। अच्छा आपकी हैप्पी बर्थडे कब है? मालूम बर्थडे। इधर तो देखें, हैप्पी बर्थडे कब है? मालूम बर्थडे। बस ठीक है, नहीं बता रहे ना, मालूम बर्थडे। हमदान की हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे तो कर दें। इधर देख के, ओए वाह हमदान, हमदान बात तो सुने। अस्सलाम वालेकुम। अच्छू चुचू क्या होता है ये? अस्सलाम वालेकुम, ये क्या कर रहे हो? हाथ गंदे हो रहे हैं ना इससे। अस्सलाम वालेकुम, मुसलसल शरारते, मुसलसल शरारते। भूत हमदान को ले जाओ, अम्मी को नहीं हमदान को ले जाओ। हाँ हमदान को ले जाओ, भूत अम्मी को रहने दो, भूत हमदान को ही ले जाओ। ये मुन्ना बहुत गंदा हो गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाय कर दें, हाय। इधर देख के, हाय व्यूअर्स। अरे वहाँ देख के। अच्छा बात सुने, किस्सू तो दे दें मम्मा को। थैंक यू। नहीं आप बोले ना वेलकम, वेलकम। इधर देख के बोले ना वेलकम। देखिए माँ हमदान मुझे कैसे डरा रहा है, ये मुझे मार। अरे दूर हो ना, दूर होके डराओ, दूर से भी डर जाऊंगी मैं, टेंशन नहीं लो। बब्बा हमदान को ले जाओ, हमदान को। अल्लाह मानो यहाँ लेटी हुई आराम कर रही है। बवा ले जाओ, मच्छर बहुत काट रहे थे यहाँ पे बैठे हुए, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं चटपाई पे तो मच्छर बहुत काट रहे हैं। अब देखें हमने इसका क्या जुगाड़ किया, मैंने किंग टॉप्स का स्प्रे भी किया लेकिन कोई आराम नहीं, क्योंकि ये खुली छत है ना, इस पर कुछ इतना ख़ास असर होता नहीं है। देखें खुली छत है, मौसम हो रहा है मज़े मज़े का। अल्लाह कैमरे को क्यों मार रहे हो आप? हमदान को ले जाओ, हमदान भूत हमदान को ले जाओ। मुझे कैसे डरा रहा है।
भूत भूत हाँ हाँ ये हमदान को ले जाओ। हाँ भूत 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 अब हमदान की पिटाई होगी। बिल्कुल पागल कितना परेशान करता है। मैं भी उतारूं सारा भूत। वैसे मुझे मुक्के मार। अल्लाह मेरा खेरा खेलो भूत। अल्लाह मेरा पेट है। वहां से हटो। अरे ये देख ना मेरा इसकी चोंच जो है ना ये चोंच बहुत हमदान को ले जाओ। ये तो कुछ भी नहीं है इसकी जो सारा दिन की जो शरारतें हैं ना ये तो मैं रिकॉर्ड करती ही नहीं हूँ। क्या मसला है निकालूँ भी सारा भूत निकालूँ भूत भूत आना हमदान को ले जाना कभी वापस ना लाना। भूत हमारे घर आना हमदान को ले जाना मुझे चुभ रही है और इसको कभी वापस ना लाना। ये हो रहा है हमारे घर में। तो जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं लाइट आ चुकी है और हमदान ने मेरा खून पी के रख लिया है। ये पूरा चीज़ का डब्बा कोकोमो सब खा लिए इसने। देखते हैं मैं जितनी देर किसी से कॉल पे बात कर रही होती हूँ उतनी देर में इतना फ़ायदा उठा रहा होता है हमदान। हमदान आपने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। क्यों करते हो आप मम्मा को इतना परेशान। और लाइट आ चुकी है। टाइम हो रहा है क्या टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है लाइट आ गई है। तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज आपने छोड़ा ही नहीं आपने बताते थे पहले ही। नहीं मैंने कहा ट्राई भी करी थी। चले हम इसकी इसको जो है हम इसकी पैकिंग खोल के चेक करते हैं। ये है फाइनली 14 अगस्त के लिए मेरे लिए बहुत जबरदस्त सा गिफ्ट चल रहा है मतलब कंपटीशन चल रहा है तो उसकी वो मेरे लिए तो आदेश यार पेन की कैसी लगी मैं ये सोच चेक तो कराओ सबर तो नो 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 वाओ ये फुल स्लिप्स फुल ये स्लिप्स। जो है ये इनकी तरफ से है। हाँ और पीछे आपका नाम भी है। नाम भी है वाओ मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि छिछोरापन नहीं लगेगा नाम आगे होना चाहिए था पीछे कमर पे नाम पड़ेंगे। अच्छा ये देखिए नेशनल सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2022 मायरा महक प्रेजेंटेड बाय AKF पाकिस्तान टैलेंट हंटर्स। तो जैसा कि मैं इसका पहले भी आप लोगों को जिक्र कर चुकी हूँ AKF वालों की तरफ से है ये पाक टैलेंट हंटर्स इवेंट ऑर्गेनाइजर्स। सबसे अच्छी बात ये लगी कि फुल स्लीव्स हैं ये। मैं बहुत थैंक यू सो मच फरहान खान का थैंक यू सो मच स्पेशली उन्होंने मुझे शर्ट गिफ्ट की है। दूसरा मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगी कि बहुत ही ज़बरदस्त सा इवेंट हुए जा रहा है 14 अगस्त के लिए। 14 अगस्त के लिए जो इवेंट हो रहा है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ फ्रंट कैमरा करके। हाँ मैंने बताया था मैं आपको फ्रंट कैमरा करके बताती हूँ 14 अगस्त के हवाले से। बाकी ये शर्ट देखें कैसी लग रही है ज़बरदस्त लग रही है ना मुझे बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा 14 अगस्त के हवाले से जो इवेंट हो रहा है मैं अभी ऐसे ही बताती हूँ आपको। हमदान मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को 1 मिनट की वीडियो बना के एक व्हाट्सएप नंबर है जो आज मैं स्क्रीन पर लिख भी दूंगी उस पर आप लोगों को 1 मिनट की वीडियो शेयर करनी है। अपने टैलेंट को आप लोगों ने शो ऑफ करना है। अपने टैलेंट को आप लोगों ने जो है इन्होंने बहुत ज़बरदस्त AKF वालों ने बहुत अच्छा ज़बरदस्त तरीके का ये इवेंट रखा हुआ है कि इसमें सबसे मज़े की बात एज की कोई लिमिट नहीं है। एज की कोई लिमिट नहीं है बहुत मतलब ज़बरदस्त किस्म का मुझे ये इवेंट लग रहा है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात एज की कोई इवेंट नहीं है। बच्चा बुजुर्ग बड़े छोटे सब इसमें आप कर रहे हैं भाई लोगों का पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यार। और ये भी नहीं कि आप अपना चेहरा दिखाएं आप बेशक मास्क लगा के कवर अपने आप को करें 1 मिनट की वीडियो बना के और छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक
सब कर सकते। एक मिनट की वीडियो बना के आप लोगों आपको को शर्ट क्यों मिली आप ये बताएं। मैं बता रही हूँ एक मिनट की, सबसे पहले मैं अपने जो व्यूवर्स को बता दूँ, एक मिनट की वीडियो बना के आपने इस नंबर पे सेंड करनी है। कोई भी अच्छा सा नेशनल सॉन्ग जो भी सिलेक्ट होते हैं, जो भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जो सिलेक्ट होंगे, इसमें बहुत मज़े मज़े के गिफ्ट्स हैं और कैश प्राइजेस भी हैं। 14 अगस्त को सिलेक्शन होगी और जो भी इसमें सिलेक्ट होगा उनके लिए बहुत मज़े की ऑफ़र ये है कि वो अपने स्टूडियो में ऐसे ही शर्ट के साथ गाना रिकॉर्ड करवाएंगे। और काफ़ी तो सारे गिफ्ट्स भी हैं, गिफ्ट सैंपल भी हैं, कैश भी हैं, कैश प्राइजेस भी हैं। मतलब आप आर्ट्स काउंसिल, कराची आर्ट्स काउंसिल में जाके अपना एक म्यूजिक करेंगे, मतलब रिकॉर्डिंग फेस्टिवल चलता है यूनिवर्सिटीज में। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फरहान खान एंड थैंक यू सो मच AKF पाकिस्तान टैलेंट हंटर्स। और मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। मैंने आप लोगों का देखा शो इवेंट, माशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, बहुत ज़बरदस्त, बच्चे बड़े सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों का इवेंट बहुत अच्छे से कामयाब हो, मज़ा आए। मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ इतने इनाम के साथ ना, इस पर ये जो लोगो, ये बहुत ही मुझे प्यारा लग रहा है, KKC का लोगो, तो बड़ा मज़ा आने वाला है 14 अगस्त को। तो आप लोग कौन कौन तैयार हैं? मालों की ताज आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो जो जो तैयार हैं इस नंबर पे, जो मैं नंबर इस पे लिखूंगी उस पर अपनी एक मिनट की वीडियो बना के सेंड करें और अपना जो है पार्टिसिपेट करें, अपनी अपने टैलेंट को आप लोग जो है वो क्या कहते हैं उसको, अपने टैलेंट को आप दिखाएं लोगों, दिखा सकते हैं लोगों को कि भाई अंदर भी टैलेंट है टैलेंट और सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, ये बात नहीं कि नहीं होता, सबके अंदर। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत प्यारी लगी और मुझे बहुत प्यारा ये अपना नाम लगा इस पे लिखा हुआ, प्रिंट हुआ हुआ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अब मैं व्लॉग का एंड करती हूँ क्योंकि मानू की तबीयत ख़राब है और मानू को होमवर्क बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, तो अब ये अपना होमवर्क करेंगी और मैं हमदान को सुलाऊंगी क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। हमारी आजकल की रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, सुबह जल्दी उठना होता है, मानू को स्कूल भेजना होता है, फिर वह दोबारा सॉरी लेटती हूँ सोने के लिए, मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आती। हमदान को फिर उठ के नाश्ता दूध ये वो सब चीज़ों को करके देना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल रूटीन बहुत ही ज़्यादा टफ हुई है। तो अब हम सोएंगे, सुबह स्कूल जाना है, होमवर्क भी करना है और हमने जो है अपना थोड़ा बहुत काम वाम करके फिर हम सोने के लिए लेटेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक नए व्लॉग के साथ, अच्छे व्लॉग के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी। मुझे स्पेशली मुझे मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट अच्छे अच्छे किया करें। और बस मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, मानो आप भी अल्लाह हाफिज़ कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।